इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। के आगे उस मुल्क को चलना होगा और वो है हमारा पड़ोसी भारत। और उसकी वजह यह है कि देखें, भारत हर मुल्क जो होता है वो अपने फाउंडिंग फादर की जो उनके जो भी चाहे वो अमेरिका हो या चाहे हर मुल्क में जो फाउंडिंग फादर जिनको कहा जाता है उनकी इज्जत होती है हमेशा। ये मोदी सरकार में ही ऐसा हुआ है कि इन्होंने आके जो महात्मा गांधी जी जिनकी दुनिया भर में इज्जत है, पाकिस्तान में भी इज्जत है, उनको उनके कातिल को उन्होंने हीरो बना दिया और महात्मा गांधी को जो है उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी। आपने देखा वो बीजेपी के लोगों ने बाहर तक इंडिया से बाहर भी उनके मुजस्मे गिराए थे और बेहरमती उसकी, तो मतलब वो तस्वीरों के ऊपर आगे लगा रहे हैं तस्वीरों को और ये कर रहे हैं अब। लेकिन मसला ये है कि जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी जब 1893 में वो चले गए थे साउथ अफ्रीका, ठीक, और वहां पर साउथ अफ्रीका वो गए थे, तो उस वक्त साउथ अफ्रीका वो गए थे और वहां पर वो एक दादा अब्दुल्ला एंड सन्स लॉयर, दादा अब्दुल्ला एंड सन्स जो गुजराती मुस्लिम फैमिली थी साउथ अफ्रीका में, उसके वो वकील के तौर पे वहां पे। अच्छा, तो जब वो वहां पे गए तो वहां पे उनके दो दोस्त बन गए, एक था कैलेनबेक और एक का नाम था पोलैक। सही। अच्छा, ये दोनों जो हैं ये यहूदी थे जनूबी अफ्रीका में। सही। और इनके साथ खूब बड़े गहरे दोस्त थे, गांधी जी के दोस्त बड़े गहरे दोस्त थे। और ये वो वक्त था जब अभी आप समझें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं शुरू हुई, ठीक है, 1893 में गए थे। उसके बाद ये हुआ कि 1915 में ये वापस आ गए, वापस आए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो वापस आने के साथ ही इन्होंने, गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट के अंदर, खिलाफत मूवमेंट क्या थी, सल्तनत उस्मानिया के फेवर में, यानी जर्मन्स के फेवर में, क्योंकि जर्मन और सल्तनत उस्मानिया एक साथ थे, एक साथ थे। अच्छा, तो अब इशू ये हुआ कि वो जो है वो ये इन्होंने उसमें हिस्सा लिया, खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गई, मौलाना मोहम्मद अली जौहर उसमें और गांधी जी भी साथ साथ थे। उसके बाद ये हुआ कि 1920 और 1930 यानी कांग्रेस बन गई, कांग्रेस के अंदर ये उसके सरबराह हो गए, इन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में जदोजहद शुरू की कांग्रेस की क्यादत। और इस दौरान ये हुआ कि इनके वो दोस्त जो थे दोनों, क्योंकि वहां पे मूवमेंट शुरू हो गई थी, बेलफोर डिक्लेरेशन हो गया था और ये सारा हो गया था, तो इनके दोस्त जो थे वो इनसे मिलने आए और इनको इन्होंने आके कहा कि आप जो हैं वो बराह करम ये छोड़ें, ये कांग्रेस और ये जो सारा सिलसिला शुरू हो रहा है, तो हमें यहां से स्टेटमेंट चाहिए आपकी। अच्छा, ठीक है, 1938 यानी अभी आप इस तरह से समझें कि कायद आजम के बहुत ज्यादा फाल होने से, अभी अल्लामा इकबाल हैं, ये 38 का साल है ना, अभी ये जिस साल इंतकाल हुआ, तो आप जहन में वो अरसा ले जाएं। तो गांधी जी से कहा कि आप जो है वो, हम कोशिश कर रहे हैं एक रियासत अलग मिल जाए यहूदियों को, तो आप उसमें हमारी हमायत करें। तो गांधी जी जो है वो हरिजन के नाम से एक अखबार उस वक्त निकलता था, उसमें बड़े फाल थे, इनकी राइटिंग्स हरिजन में आती थी। सही। तो इन्होंने हरिजन में एक मजमून लिखा, ठीक, और वो जो मजमून है वो उस मजमून में इन्होंने लिखा कि उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स जो हैं वो ये हैं कि जिस तरह फ्रांस फ्रांसीसियों का है, ठीक है, पैलेस्टाइन बिलोंग, ये मैं आपको ओरिजिनल दिखा रहा हूं उस जमाने का, इन्होंने कहा पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू अरब्स इन द सेम सेंस दैट इंग्लैंड बिलोंग्स टू
इंग्लिश और फ्रांस टू फ्रेंच, इट इज रॉन्ग एंड इनह्यूमेन टू इंपोज द ज्यूज ऑन अरब्स. What is going on in Palestine today cannot be justified by any moral code of conduct. Mahatma Gandhi, 26/11/1938. उसके बाद ये हुआ कि महात्मा गांधी साहब के इस मजमून के बाद जो है बहुत से लोग इनसे पास इनके पास आए. वहां पर जाहिर है कि एक मूवमेंट शुरू हुई थी, अरब भी लड़ रहे थे कि ये क्या है, हमारी लैंड के ऊपर बेलफोर डिक्लेरेशन आ गया है. फिर वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गई. वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुई तो उसमें जर्मन्स और यहूदियों के साथ जो हुआ वो हम सबको पता है. इस दौरान फिर वो आए दोबारा, कैलनबैक फिर इंडिया आए और इन्होंने आके कहा कि आपने देखा ये क्या हुआ है. फिर इन्होंने हरिजन के अंदर लिखा, ये 46 में 21 जुलाई 1946 को इन्होंने हरिजन में लिखा कि गेतो, गेतो वो जगह थी जहां पे यहूदियों पे मुजालिम होते हैं. उन्होंने कहा गेतो से मैं वाकिफ हूं जहां मुजालिम हो रहे हैं यहूदियों पे, और कई यहूदी मकाम से यूरोप को निकाल दिया गया है, लेकिन इन तमाम मुजालिम के बावजूद यहूदियों का फलस्तीन वापसी सवाल ही पैदा नहीं होता. और फिर इन्होंने कहा कि आगे उसकी वजह बताया. उन्होंने कहा वापसी का इसलिए नहीं कह रहे कि कह रहा कि सारी दुनिया उनका मुल्क है. मतलब जहां जिस मुल्क में कोई जहीन यहूदी होगा तो वो अपनी भी इज्जत बनाएगा, अपने मुल्क की भी बनाएगी, जैसे आइंस्टाइन है, जैसे और. तो अगर वो फ्रांस में है तो फ्रांस में होंगे, उनको यहां आने की जरूरत नहीं. ये अरब मजालिम अलग है, अच्छा हुआ बुरा उसको छोड़ दें, अब उसमें बहस में नहीं जा रहा. अरबों पर मुसल्लत, ये अरबों में मुसल्लत ना करें. ये महात्मा गांधी का जो है वो, उसके बाद बेंगोरिया जब आ गए उनके पहले प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपने वजीर खारजा को कहा कि आप जरा एक टेलीग्राम भेजें. गांधी जी ने उसके जवाब भी यही दिया. मतलब गांधी जी का प्रिंसिपल ये था कि मैं इसराइल को नहीं मानता. सही. और उनका ये प्रिंसिपल कायद आजम मोहम्मद अली जिना से पहले आ चुका था क्लैरिटी के साथ. ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म. आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं. तो डॉक्टर शाहिद मसूद ये एक ऐसा पत्रकार है जो जेल जा चुका है. इसने कुछ रेप वेप का कुछ लफड़ा हुआ था तो उस मामले में ये जेल गया था. वो तो मैं उस बारे में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ. हालांकि आज ये एक बात कर रहा था भारत का जो अभी आई स्टैंड विथ इज़राइल ट्रेंड किया था ट्विटर पे, जो कि बेसिकली राइट विंगर्स द्वारा किया गया था. इंडियन गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, आपको भी पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया क्यों नहीं है पॉलिसी. और इंडिया के लोगों के दिल में बसता है इज़राइल, और इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी जो ट्वीट किया उसमें भारत का उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया, क्योंकि भारत को धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कनेक्शन दिल से दिल के हैं. तो ये मामला जाता ही नहीं है. अब बात करते हैं इस डॉक्टर के बारे में. तो ये बेवकूफ़ लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाला सिस्टम है इसका. ये अपनी बात करता है, अपनी बात बोलता है, अपनी बात खुद सुनता है, और खुद का पता नहीं कौन सा लॉजिक लगाता है. तो ये अभी मतलब बात कर रहा है महात्मा गांधी के बारे में. तो गाइज आपको भी पता है महात्मा गांधी की क्या क्या पॉलिसी है, क्या क्या, उस बारे में तो मुझे बताना ही नहीं है. बहुत पढ़ चुके होंगे आप गांधी, उसी वजह से आज हमारा देश कितना पीछे हम जानते हैं. हालांकि गांधी जी की एक ऐसी पॉलिसी थी मतलब अहिंसा वाली, लेकिन वो आपको भी पता है कि ये दुनिया, आप कितना भी कोशिश कर लें अहिंसा ना करें, ये दुनिया आपको हिंसक बना ही देगी. क्योंकि जब सामने वाला इतना कट्टर है, सामने वाला इतना मतलब अपने धर्म को लेकर, अपनी हर चीज़ को लेकर इतना पजेसिव है, और आप कहो कि चलो हाँ 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 हाँ, मतलब हमेशा आप ऐसा नहीं कर सकते. तो ये वो हमेशा नहीं हो सकता कि आप एक गाल पे थप्पड़ मारो तो आप हमेशा दूसरा गाल पे थप्पड़ मतलब खाने के लिए फिर से आगे कर दो. ये एक बार होगा, दो बार होगा, 100 बार होगा, लेकिन फिर 100 बार के बाद सामने वाला भी एग्रेशन दिखाने लगेगा. तो आपको भी पता है पुरानी बात है, पुराने समय के लिए थी, अब नई बात है, नए समय के हिसाब से चलती हैं. तो आपको भी पता है दोस्तों इसराइल ने भारत का कितना समर्थन किया था कारगिल वॉर में. इसराइल ने परमाणु, जब भारत ने बम बनाया था, दुनिया के सारे देश विरोध में आ गए थे, इसराइल भारत के साथ खड़ा था. और अब भारत इसराइल का पार्टनर है, टेक्नोलॉजी शेयर होती है, वहाँ के स्टूडेंट यहाँ आते हैं, यहाँ के स्टूडेंट वहाँ जाते हैं, एक अलग रिश्ता है. और हमें इसकी ज़रूरत है, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए. आज इसराइल की ऐसी टेक्नोलॉजी है, 2500 रॉकेट दागे, 25 रॉकेट इसराइल के अंदर गए, 25 रॉकेट में भी बहुत सारे मतलब लोग अगर मरे हैं, तो
उनका बदला लेने के लिए इसराइल ने ऐसा धमा चौकड़ी मचाई है, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी 10-10 मंजिला बिल्डिंग गिरा दी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। भारत की आर्मी ने शायद 10 मंजिला बिल्डिंग कभी गिराई ही नहीं होगी, गिराई होगी शायद, नहीं गिराई होगी गाइस, कैसे गिराई होगी, गिराई होती तो हमारे पास वीडियो होता। हालांकि आपको ही पता कि भारत के आसपास कैसे पड़ोसी भिखारी देश हैं कि उनके पास 10 मंजिला बिल्डिंग होगी भी तो वो तो ऐसी जगह होगी कि जहाँ पर टेररिस्ट होते नहीं है। भारत बेसिकली टारगेट करता है टेररिस्ट पर, तो वो तो झोपड़पट्टी में ही घुसे रहते हैं या तो मस्जिद वगैरह या मदरसे वगैरह में घुसे रहते हैं। आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक में जो बम यूज़ किया गया था वो इसराइल का ही बम यूज़ किया गया था, मतलब वहाँ से हमने ख़रीदा था। तो भारत का बहुत बड़ा एक मदद करता है, टेक्नोलॉजी शेयर करता, भले पैसे तो लेगा भाई, क्यों नहीं लेगा उसके। तो डॉक्टर घोचू गांधी जी को लेकर बता रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसी थी वैसी थी, जवाना फलाना ठिकाना, भैया पुरानी बातें गई तेल लेने। आज का भारत तो इसराइल के साथ खड़ा है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं उनके बाप तो हर रोज़ बदलते हैं, कहीं बर्मा के रोहिंग्या मुसलमान उनके बाप बन जाते हैं, तो कहीं टर्की, कहीं ये, कहीं वो। हालांकि टर्की अगर कुर्दों को मारे तो वो उनको टर्की का ही समर्थन करेंगे, अगर अरबी अगर यमन के लोग मुसलमानों को मारे तो यमन का ही समर्थन करेंगे, ठीक है। अफगानिस्तान में तो हर रोज़ पेला जाता है, सिया मुसलमान जो हजारा है उनको कितना पेला जाता है, कभी नहीं उनका, इरफान पठान जैसे लोगों का कभी ट्वीट नहीं आएगा। तो गाइस ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। इस बेवकूफ़ को सुनना बड़ा कठिन काम है मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ, आपको भी वीडियो हर तरीके की पहुँचानी पड़ेगी जो जो आती हैं लेटेस्ट। बेसिकली महात्मा गांधी को लेकर इसका कमेंट था, तो मुझे ये वीडियो आप तक पहुँचानी पड़ी। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए, और बैल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए।